सजदा करके घर से निकलती, सजदा करके घर से निकलती, रोज एक कहानी, जिंदगी कश्ती और मुसाफिर, कतरा कतरा पानी, जिंदगी कश्ती और मुसाफिर, कतरा कतरा पानी, कतरा कतरा पानी, कतरा कतरा पानी, कतरा कतरा पानी। ओ अभी सलीम, लगता है तेरी छुट्टी मंजूर हो ही गई। ओ हाँ बलवीरे, इससे बड़ा खुशकिस्मत और कौन होगा। एक तरफ दुश्मन खून की नदियां बहाने को तैयार बैठा है और दूसरी तरफ हमारा सलीम अपने खून के रिश्तों की गर्माहट का मजा लेने के लिए अपनी जन्मभूमि की तरफ रवाना हो रहा है। सलीम की तो मौजी मौजे है, माँ के हाथ की रोटियाँ, सरसों का साग, इतना बड़ा लस्सी का गिलास, अरे खेत के गन्ने और रात को पीने के लिए मिर्ची की रम, अरे हट्टा कट्टा होकर लौटेगा मेरा यार तो। बनर्जी मुसलमान है और वो भी पंजाब का पुत्र, माँ बाप के पास अच्छी खासी खेती की जमीन है, और भला इसे सेहत बनाने से कौन रोक सकता है। और तुम क्या समझते हो हम तुम्हारी तरह ये चावल भात खाकर बंगाली का अखबार पढ़ते रहते हैं। ओ आजा आजा। अरे साजिद तू सुना कोई बात, तू तो ऐसे मुंह बना के खड़ा है जैसे तेरी तनख्वाह चोरी हो गई हो। नहीं नहीं यार, दरअसल बात यह है कि मेरा छुट्टी जाना मेरे यार को तकलीफ पहुंचा रहा है। छोड़ यार, परदेशों में बैठे हैं हम यार, कहां आ गए हम, दूर दूर तक ना कोई गांव, ना कोई शहर, और ना ही ऐसी जगह जहां जाकर घूम फिर सके, और ना ही कोई गांव का आदमी मिलता है जिससे गांव का हाल मालूम किया जा सके। यहां तो बस एक चिट्ठी है जो एक महीने में गांव पहुंचती है और दूसरे महीने उसका जवाब आता है। खैर आप हो यहीं पे, मेरे यार का दिल मत छोटा होने देना। और क्या, इकट्ठे छुट्टी मिल जाती, इकट्ठे घूम आते, इकट्ठे वापस भी आ जाते, लेकिन इन दिनों छुट्टी मिलती किसी किसी को है, जैसे बहादुरी के तमगे हर किसी का मुकद्दर नहीं होते। अरे साजिद इतना उदास मत हो जा, तू तो राह की तरह बुझ सा गया है, हम है ना तेरे साथ। अरे अगर तुझे छुट्टी मिल भी जाती तो इसने कौन सा तेरे साथ घूमना फिरना था हर रोज, अरे ये तो जाते ही अपनी वो खत वाली के साथ। अरे ओ बैनर्जी के बच्चे तू बाज आ जा, चल सलीम हमें टाइम पे स्टेशन पहुंचना है, चल। अरे हाँ हाँ, रेलवे वाले इसके रिश्तेदार है ना, गाड़ी ठीक 5:20 पर पहुंच जाती है अगले दिन। सलीम मेरे घर से भी होके आना यार, जब तू यहां से उनके पास जाएगा तो समझ ले उनकी मुझसे आधी मुलाकात हो गई। मेरा हाल चाल पूछकर अम्मी अब्बू के कलेजे ठंडक पड़ेगी, और जब तू वहां की बातें आके मुझे सुनाएगा मुझे ऐसा लगेगा जैसे मैं अपने गांव की गलियों में घूम रहा हूं। तू फिक्र मत कर, अल्लाह कसम तू ना भी बोलता ना तो मैंने तो जाना ही था यार। अगर मेरी भी छुट्टी मंजूर हो जाती ना तो मैंने पक्का तय कर रखा था कि तुम्हें नकोदर वाले साईं की दरगाह और मंडाली शरीफ का दरबार दोनों दिखा के लाऊं। हां सच, तेरी भाभी के लिए था कुछ। अच्छा फिर चलता हूं यार। Thank you.
तेरी मंजिल अंधी गलियां, हम अपने घर खो बैठे हैं, रिश्तों की छत माँ की ममता दिल आंगन से धो बैठे हैं, दिल आंगन से धो बैठे हैं, दर्द का चेहरा हंसती आंखें, दर्द का चेहरा हंसती आंखें, जाती नहीं पहचानी जिंदगी कश्ती और मुसाफिर, कतरा कतरा पानी।